हम एक दाना ना तू खींचो भाई हमें। अरे रुक जाओ बताई दखाने नगवा। दोस्तों ये सारे साथी जो हैं ये गोरा चौकी से मिलने आए थे और मिलके काफी अच्छा लगा और इन्होंने बताया कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो से इम्प्रेशन करके हम लोगों ने चैनल क्रिएट किया है। और तो दोस्तों इनका बेहतर अंदाज चैनल आप देखिए, विजिट करिए यूट्यूब पे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि जब छोटे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो एक एक फॉलोवर की क्या खुशी होती वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने भी एक से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज हमारा शुक्र अल्लाह का कि 35,000 फॉलोवर यूट्यूब पे हैं और करीब समथिंग 2,10,000 फॉलोवर फेसबुक पे हैं और कई वीडियो मिलियन को क्रॉस हुई है। सब हमारी सबसे हाईएस्ट वीडियो जो चली है 10 मिलियन की है, तो मिलियन की क्या खुशी होती है, 1,000 की क्या खुशी होती है, 10,000 की क्या खुशी होती है, 1,00,000 की क्या खुशी होती है, वो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। और डीमोटिवेट करने वाले समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भैया इग्नोर मत करिए, किसी को डीमोटिवेट मत करिए। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट करने का आपको कोई अधिकार हक नहीं है। बस कौन सा आदमी क्या कर रहा है उसको अपने उसके काम पे छोड़ दीजिए, वो अच्छा करेगा बुरा करेगा वो अपना, हर कोई आदमी अपने जहन से समझता है कि उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे बितानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एडवाइस इसलिए आप ना दें क्योंकि आप उसका ना तो खर्चा चलाते हैं, ना उसे कपड़ा लत्ता देते हैं, ना उसका खान पान देखते हैं, तो आप उससे परेशानी में उससे पूछने भी नहीं जाते हैं। तो एडवाइस देने वाले मुफ्त में कहीं भी मिल जाते हैं, तो उन लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। और दोस्तों से मिलते हैं, भूख प्यास से होके जो है वीडियो बनाते हैं, भूखे रह के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, गिरते चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों एक यूट्यूबर की जो लाइफ होती है वो उसके जहन में वीडियो चलता रहता है, पहले स्क्रिप्ट आती है, 2-3 दिन के बाद स्क्रिप्ट सोच पाता है, फिर स्क्रिप्ट को एक्टिंग करना होता है, फिर कई बार कट करता है, नहीं अच्छी हो पाती, फिर एक्टिंग करता है, फिर उसके बाद जब अच्छा उसे लगा कि एक्टिंग हो गई, फिर उसके बाद उसको ला के एडिटिंग करना, एडिटिंग करने के बाद गांव में रहकर सर्वर देखना कि नेट सही है नहीं सही है, तो क्या करे, फिर वो रात का वेट करता है, 2 बजे 2:30 बजे अपलोड करता है, फिर सुबह वो पब्लिश करता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद गाँव के लोग एक स्तर तक अपनी वीडियो चलाने में सफल हो पाते हैं, तब जाकर और वो बहुत ही समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। और ये चचा आगे छोटा भाई ये है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, तो आप किसी का सपोर्ट ना कर पाएँ तो उन्हें उनका आलोचना ना करें, क्योंकि आप सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने के साथ आलोचना करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सिर्फ आलोचना करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उन्हें समझाते नहीं, उन्हें बताते नहीं हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप उनकी मजाक बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, या आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और आप उनमें सिर्फ कमियां निकालना चाहते हैं। आप उनकी कमियां निकालने के साथ साथ उन्हें बताएं कि कमियां इस तरीके से दूर हो जाएंगी, तो ये तरीका बहुत बेहतरीन अच्छा है। मिलते हैं दोस्तों, अभी भाई लोगों से क्या बात हुई, इनका क्या नाम है, वो सारी चीज़ें आप आगे देखिए। हेलो गाइस, मैं शिव कुमार खान और आप देख रहे हैं बेहतर समाज। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। और आपको आज मिलवाते हैं कुछ साथियों से जो काफ़ी लंबे से आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए, और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें आने में क्या दिक्कतें हुई। ये भाई आए हैं कहाँ से बाबू? गौरा चौकी। ये गौरा चौकी से आए हैं, 73 किलोमीटर बात कर, 73 किलोमीटर आने जाने के मान लीजिए 150 किलोमीटर। और हमें रास्ता भी नहीं पता, पूछ पूछ के आए भैया। भैया का चैनल है बेहतर अंदाज, बेहतर अंदाज हम लोगों का बेहतर समझो कॉमेडी चैनल तो ही है, इनका बेहतर अंदाज है, तो उस हिसाब से आप लोग चैनल इनका देखिए और फॉलो करिए। और ये पूरी टीम इनकी है, आइए सब। ये भैया की पूरी टीम है, एक एक लोग अपना नाम बताते जाइए तेज तेज आवाज में। राम बाबू आएगा जी, गुलाम अली सावरसी, मोहम्मद अली, हम करवाते हैं। ये मोहम्मद अली भाई, ये एक्टिंग करते हैं इस चैनल में बेहतर अंदाज में। ये हैं भैया विजय बाबू, और खैर काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अभी हमने इनसे कहा अभी कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पार्ट टाइम आप वीडियो बनाइए। और भैया ये हैं गुलाम औरसी हैं, और भाई श्याम बाबू, और भैया इरफान अली, और ये भाई साहब राम बाबू। तो दोस्तों ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं, जब कभी हम लोगों की वीडियो देखने वाले इतनी लंबा सफ़र तय करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग आते हैं इतनी मोहब्बत से हमसे मिलने आते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो धन्यवाद आपके भैया। सबके लिए जान लो दिल के दरवाजा खुला है, चाहे जे आओ जाओ मिलेंगे, तो जे आए ना इन्हें
उन्हें सबका विदा कही दिन गए अपने घरे और जोन बतिया कही नहीं सोए बाबू और वही सब बेहतर अंदाज। तो वका काले थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखियो बेहतर अंदाज चैनल नवा है बेचारे नवा नवा काले क्रिएट की नहीं तो थोड़े सपोर्ट वपोर्ट कही दियो भैया। तो वनहू सबके दिला के यहाँ थोड़ा राहत मिली भैया 150 किलोमीटर चल के आए सोचो मोहब्बतिये से तो उनसे जानो हमें मोहब्बत रहा और हमें तोहरे लोगों से मोहब्बत है अब हमार मोहब्बतिया उन्हें का तोहरे जताओ और उनका चैनल सब्सक्राइब करो बेहतर अंदाज सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा जैसे हमें सबका करता हूँ ठीक है भैया चलो सुन ले बतिया यार का सुन ले का सुन हम उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो अच्छा हम एक दाना ना तू खींचो भाई यार ये सब तू आओ संग दिया नहीं ला हम खींची भैया यार गुस्सा ही गए यार बुलाओ अरे हम मैं तभी ना पिछवा के हम अकेले हैं यार बने रे कहां गए हैं हां वो अकेले नहीं वो ये रहा वो तो तेरे दोस्त रहे लेकिन सब के हम खुद ही पिछवा रहे हैं पिछवा का रहे आपके दखाने हम अरे रुक जाओ बताई रहा के दखाने ना गवा दिखाओ यार खींची हां खींचो हाँ ये दो तीन चलो ठीक है अब लागत तो यार अब ठीक है रहा दियो बस उतना काम भरे कोई कर सुनो हरदम हरदम ना होशियारी रखा करो कि हरदम हरदम में नहीं खिंचावत है भैया ठीक है चाहे जे आवत है नहीं अगला खिंचावत समझाओ आदत नहीं ठीक है भैया हर बाजी हम तो हर देख लिए जैसे हम अगवा वही था जैसा ढकेल पिछवा कहीं भाई मेरे मैंने कहा तू मोटाइये का गवा हम जैसे तन को इज्जतिये ना वैसे कैसा रन भाई बात हुई भाई की हर बाजी पीछे हम हो गलती भैया दोबारा ठीक है भाई ऐसे माफी मांग लिया की गलती भाई हर बाजी तो हमारे पीछे ढके बाबू गलती बस ठीक है भैया चलो चलो खत्म करो।